बैक टू माई चैनल। तो आपका मेरे इस चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। एंड मुझे पता है मैं एक महीने से पता नहीं कहाँ हूँ। ये थोड़ा सा साइड चेंज, मतलब इधर ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है। वेट होप, मतलब एक महीने में ना इतने कम वीडियो बना रही हूँ ना कि मतलब मैं भूल ही गई हूँ कि कहाँ ट्राइपॉड रखती थी, कहाँ कैमरे रखती थी। ओके गाइज, मुद्दे पे आते हैं। मैं अच्छी लग रही हूँ आज? ओके, लेट इट बी। अगर मैं खराब भी लग रही हूँ तो आप मैनेज कर लेना। ओके ओके गाइस, तो आज का ये टॉपिक है, आज ये कोई स्टोरी टाइम वीडियो नहीं होने वाला, मतलब हाँ स्टोरी टाइम ही वीडियो होने वाला है ये। एंड उसके साथ साथ अगर आप एक यूट्यूबर हो ना और आप सोच रहे हो कि कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा रहेगा, और उससे ज्यादा दिमाग में सवाल रहता है कि कौन सा बैंक आपके लिए बुरा रहेगा, ये वीडियो देखकर ना मतलब आपको मैं क्लियरली बताऊंगी कि मतलब कौन सा बैंक आपके लिए बुरा है। एंड जो वीडियो मतलब जो यूट्यूबर नहीं है, आपको आज मैं अपना स्टोरी टाइम वीडियो सुना रही हूँ। इतनी सारी चीजें मेरे साथ कुछ दिनों में हो गई है ना, मतलब मैं मेंटली इतना ज्यादा सफर कर रही थी ना, मतलब क्या बताऊं। एक तो इतनी कम उम्र, मतलब ऊपर से लोग बच्चे की जान लेने पर ला गए। ओके गाइस, तो खैर फालतू की बकवास नहीं करते हैं, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत 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 सारा प्यार देना कमेंट सेक्शन में। समझ रहे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पॉइंट ये है कि क्या हुआ। ओके, बताती हूँ क्या हुआ। देखो, आपको पता है कि हर मंथ मंथ की 21 तारीख को यूट्यूब का पेमेंट आता है हर यूट्यूबर्स के पास, मतलब जिसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जो अर्न कर रहे हैं। ओके, तो मेरे साथ ये हुआ ना कि मेरा पेमेंट आया मार्च के 21 तारीख को, ठीक है, मार्च की 21 तारीख को मेरा पेमेंट वहां से सेंड कर दिया गया था। $100 कंप्लीट हो गए थे, मतलब उससे ऊपर जा रहे थे। तो क्या हुआ ना कि वहां से ना मेरे पास ना मेल आया कि आपका ना पैसा सेंड कर दिया गया है। देखो अभी ना, देखो मैं खुलकर बातें बता रही हूँ, मेरे को ये सब ड्रामे करने का कोई शौक नहीं है, मैं खुलकर बातें बता रही हूँ। लॉकडाउन का समय अगेन आ चुका है, सेकेंड वेव चल चुका है, एंड हर किसी के घर पे फाइनेंशियली काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होंगे उन सभी को। जिसके पास जिसको फेस नहीं करना पड़ रहा है, टचवुड, अच्छी बात है, लेकिन हाँ हमें फेस करना पड़ रहा था। तो अब नहीं भी फेस करना पड़ रहा है ना, तो अपना कमाया हुआ पैसा ना जल्द से जल्द अपने हाथ में सबको चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि 21 तारीख को भेजा गया पैसे, तो मुझे लगा ना कि चलो यार ठीक है, मेरे बैंक से कुछ दिन में कॉल आ जाएगा कोई फॉर्म वॉर्म फिल करने के लिए, नहीं तो कुछ दिन में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ना छोड़ दिया, जैसे उसे छोड़ दिया पैसे को, मैंने को लगा कि कुछ वक्त में आ जाएगा खुद ब खुद। बट आपको यकीन नहीं होगा, बैंक वाले को कुछ आता पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बैंक वाले अपनी धुन में, ठीक है। तो मेरे को लगा कि भाई साहब ऐसे पैसे वैसे नहीं आने वाले, मेरे को जाना पड़ेगा। तो उसी मंथ मतलब मार्च में मैं 7-8 दिन के बाद बैंक गई हूँ, ठीक है। जब बैंक गई ना, तो मैंने डायरेक्ट बात किया, तो मैम को कुछ आता पता नहीं, अच्छा आपके पैसे आए क्या आए कुछ, मतलब उनको कोई आइडिया ही नहीं था। मेरे को उस वक्त मैंने सर पर हाथ रख लिया कि मतलब कुछ ना कुछ आज इस बार लोचा होने वाला है मेरे साथ। मैंने उनको सारी चीजें समझाई, ठीक है, ऐसे। तो वो बोली कि एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मतलब इतना झमेला उन्होंने क्रिएट कर दिया ना कि इंडियन बैंक बन चुका है, मर्ज हो चुका है, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो जो गूगल से मतलब एडसेंस से जो मेरा मेल आया था उसे भेजना पड़ेगा। मतलब मेरे को लगा यार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या इस बैंक में कभी हुआ ही नहीं है क्या, मतलब इतना झमेला क्या होता है। तो मैंने बोला कि मुझे ना मैनेजर से बात करना है, मैनेजर और नहीं बोलूंगी ज्यादा, मैनेजर को भी मतलब मैनेजर ने बोला हाँ हाँ हो जाएगा। मैनेजर ने कोई टेंशन ही नहीं लिया, तो मेरे को लगा कि यार ठीक है यार चलो हो जाएगा। जितना कुछ उन्होंने बोला ना मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। उसके बाद ना करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ 3-4 दिन में आपको फिर से बैंक आना पड़ेगा। मेरे को लगा फिर से, मैंने बोला ठीक है। अब इतनी कड़कती हुई धूप में मुझे 3 दिन के बाद बैंक से कॉल आता है, बोला जाता है कि आपको KYC करवाना पड़ेगा। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, एटलीस्ट कॉल तो आया, उन लोगों को याद तो है कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो मैं ना गई KYC के लिए, एंड मैंने सारे फॉर्म फिलअप कर दिए जो जो उन्होंने बोला, मैंने सब कुछ किया गाइस, ट्रस्ट मी। मतलब मेरे अंदर से इतना गुस्सा निकल रहा है ना, जितना उन लोगों ने मुझे परेशान किया है ना, पता नहीं ये वीडियो अपलोड करने तक भी मेरे पेमेंट आएंगे या नहीं, मतलब मेरे पैसे आएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे पैसे नहीं आए हैं। और आज हो चुका है 26 से 27 दिन हो चुके हैं आज। ओके, मैं बैंक का नाम भी बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद क्या हुआ कि जब KYC वगैरह का सब कुछ कर लिया, तो उन लोगों ने बोला कि 2-3 दिन में आपका हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं फोन पर फोन कर रही हूँ। देखो बैंक की एक कोई स्टाफ थी जिनका नंबर मेरे पास था, जिन्होंने जब मेरा पहला पेमेंट आया था ना तब उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला था कि आपका कोई इंटरनेशनल डॉलर वगैरह आया है, तो उनके उनका नंबर मेरे पास था। अब मैं उन्हें कॉल पर कॉल किए जा रही हूँ, वो रिसीव लेने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब वो रिसीव ही नहीं कर रही है। ओके, बहुत मतलब हर दिन मैं कॉल कर रही हूँ, मेरे को लगा यार क्या हुआ, दो तीन दिन रोज मैं अपने बैलेंस चेक कर रही हूँ, आई नहीं रहा पैसे। तो उसके बाद ना मैंने उनको कॉल किया, एक दिन उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया बिल्कुल एकदम 5-6 दिन के बाद, और मैंने उनसे बोला कि मैम क्या हुआ, मैम प्लीज आज किसी तरह मेरा ट्रांजेक्शन करवा दो, इतना टाइम हो चुका है, 20 दिन हो चुका था उस वक्त, तो मैंने बोला कि 20 दिन हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं मैडम से बात करती हूँ। अबे यार तू क्या कर रही है उस बैंक में ये बता। सच्ची सॉरी, मैं थोड़ा सा रूड हो जा रही हूँ, मैं इससे ज्यादा रूड हो चुकी थी। देखो एक बात बताओ, वो बैंक में ही है, उसको थोड़ा सा तो नॉलेज होगा कि चलो आज हो जाएगा, नहीं रुक जाओ 2 दिन के बाद हो जाएगा, या कुछ टाइम लगेगा, या कोई भी प्रॉब्लम है मैं मैडम से बात करती हूँ। उसके बाद उसका भी कोई अता पता नहीं, फिर मैं हर 2 दिन पर 3 दिन पर उसको कॉल कर रही हूँ, कोई अता पता नहीं। आखिर में फाइनली मैं एक दिन और बैंक गई, तब मेरे को पता चला बैंक के बाहर पहुंच गई कि बैंक ही बंद है। ओ माय गॉड। उसके बाद अगेन मैं कल ही बैंक गई हूँ, हाँ कल बैंक गई, एंड वहां जाके उन लोगों को मैंने बहुत सुनाया है, बहुत सुनाया लिटरली, मुझे पता है गलत है, लेकिन वो पता है मैम क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, आपको तो यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस बनाना है। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ गया ना उस वक्त, मैंने बोला यार आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, एक एक पैसे आने में ना एक एक साल दो दो साल लग जाते हैं लोगों के, इतना मेहनत है उस पे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब वाले मेरे पापा और मेरे चचा के बेटे हैं जो बैठे हुए। कसम से इतना गुस्सा में आ रहा ना ये स्टोरी बताते हुए आपको। ओके, वो बैंक कौन सा है, मेन पॉइंट है कि वो बैंक कौन सा है, वो निहायती बकवास बैंक है, वो है इलाहाबाद बैंक। मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया एंड इस बैंक में मैंने ट्रांजेक्शन करवाया। अच्छा, वो मैम क्या बोलती है मुझे कि जब आपको मैंने बोला था कि मुझे नहीं पता था मैम कि आपके बैंक की सर्विस इतनी खराब है, तो वो क्या बोलती है, जब आपको पता था आपने क्यों इस बैंक का ये दिया, बैंक अकाउंट नंबर दिया, ये खुद के बैंक की खुद बेइज्जती कर रही है। मैंने बोला मैम ये लास्ट टाइम है, प्लीज इस तरह मेरे को मत करो, इस तरह आज इस बार कर दो, अगली बार तो मैं आपके बैंक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि कुछ दिन के बाद जाऊं एंड मैं मैनेजर को कंप्लेन करूं। मैनेजर नहीं था, मैनेजर की तबीयत खराब थी, मैनेजर को भी कोई होश नहीं है कि उसके बैंक में क्या हो रहा है। यार इलाहाबाद बैंक वालों अगर सुन रहे हो ना, सुन तो नहीं रहे होगे, लेकिन अगर सुन रहे हो बाई चांस ना, तो शर्म करो अपनी सर्विस पे, शर्म करो। मैं तो बिल्कुल, जो भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं ना, प्लीज गाइज कोई क्या नाम है, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, और क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यही नाम है ना, ये सब यूज कर लेना, बट इलाहाबाद बैंक मत यूज करना, वो महाघटिया बैंक है, उसकी सर्विस घटिया है। अच्छा एक चीज और मेरे साथ क्या हुआ ना, कि मैंने सर्विस सेंटर के पास कॉल किया, कस्टमर सर्विस के पास, तो वो अलग चालू हो गई, वो उसने 2 नंबर मुझे दिया और बोला कि इसके पास कॉल करें आप, इससे आपका सारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। भाई साहब वो जो 2 नंबर उस पे कॉल ही नहीं लग रहा, मतलब कॉल लगा कोई उठा ही नहीं रहा है, और मेरा गुस्सा एकदम, और ऊपर से इंटरनेट पे जो नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर के लिए, वो नंबर भी नहीं लग रहा है, मतलब इतना गंदा है ना, मतलब इतना घटिया। वहां जाके पता चल रहा है कि मेन ब्रांच में जहां से ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं वहां फोन ही नहीं लग रहा है। यार किस चीज का बैंक है, क्या करते हैं, मतलब मेरे को सच्ची बता रही हूँ गाइस, दिल से बता रही हूँ, जितना मैं परेशान हुई हूं ना, मैं बस यही चाहती हूँ कि उस बैंक में कोई भी अकाउंट तक मत खुलवाना। सच्ची बता रही हूँ, मैं इतना हंस रही हूँ ना सच्ची, मैं इतने दिनों से ना उस पैसे के लिए परेशान थी, क्योंकि यार देखो पैसे, अब देखो हम ना जब पहले पैसे हाथ में होते हैं ना, तो वो खत्म हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो अब नेक्स्ट पेमेंट तो आएगा ही, तो उस पैसे से कुछ ना कुछ हो जाएगा, और जब नेक्स्ट पेमेंट नहीं आता है, इस तरीके से लोग ड्रामे करते हैं। ओ गॉड, मैं ये पेमेंट लेने के बाद दूसरे अकाउंट में बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगी, एंड देन तो यही मेरे साथ 1 महीने से मैं इसी में परेशान हूँ गाइस, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एंड बस देखो क्या है ना, मेरे पास ना मतलब अब आपको लग रहा होगा पैसे के लिए परेशान है, हाँ मैं पैसे के लिए परेशान हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आपके पैसे जब आपको नहीं मिलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है यार, और ऊपर से आ भी गए और बैंक वाले ड्रामा कर रहे हैं, तो यही है, और इसी वजह से मैं परेशान थी। जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि प्लीज
इलाहाबाद बैंक की तरफ मत देखना मुड़कर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आप एक यूट्यूबर हो तब भी मत देखना पलट कर, नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप एक यूट्यूबर हो तब तो बिल्कुल भी मत देखना, और अगर नहीं हो फिर भी मत देखना। ओके सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप समझ गए ना, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।